पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेल हुई 5 गाड़ियाँ, जो कि बहुत बुरी तरह फेल हुई थी। तो आइए जानते हैं वो गाड़ियाँ कौन सी हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। शेवलेट कंपनी की SSR को लॉन्च करा गया था 2003 में और गाड़ी को बंद कर दिया गया 2006 में। ये गाड़ी पिकअप ट्रक और कन्वर्टिबल कार का मिक्सचर थी, जिसकी वजह से लोगों ने इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया। इसकी लुकिंग और डिज़ाइन बहुत बेकार थी। इस कार को काफ़ी कम लोगों ने ख़रीदा था, पर जिन्होंने इसको ख़रीदा था उन्होंने इस गाड़ी को अपने मन मुताबिक मॉडिफाई करा दिया। और इस कार में इंजन मिलता था 5.3 लीटर का और इंजन की पावर थी 390 हॉर्स पावर की, जो कि V8 इंजन था। SSR की उस वक्त कीमत थी $40,000 की। अगर इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये बैठेगी 28 लाख रुपए की। 2002 लिंकन ब्लैकवुड को लॉन्च करा गया था 2002 में। जब इसको लॉन्च किया था तो सारे कस्टमर तैयार नहीं थे इस लग्जरी ट्रक को खरीदने में। ये ट्रक पूरा बेस था लिंकन नेविगेटर पर। गाड़ी को लॉन्च होने के एक साल बाद ही इसका प्रोडक्शन बंद हो गया था। गाड़ी के लॉन्च होने के एक साल बाद ही गाड़ी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, क्योंकि इसकी कीमत $52,000 की थी, यानी कि 37 लाख रुपए के आसपास की। इसकी वजह से लोग इतने पैसे खर्च करने के लिए हिचकिचा रहे थे, वो भी एक ट्रक पर। पॉन्टियक एस्टेक को लॉन्च किया गया था 2007 में और इसको बंद कर दिया गया 2005 में। जिस वक्त इसको लॉन्च किया था उस वक्त दुनिया में SUV गाड़ियों का और ऑफ रोडिंग गाड़ियों का शौक था बहुत। पॉन्टियक एस्टेक में आपको ऑफ रोडिंग फीचर्स मिलते थे और इसके अलावा ये गाड़ी 4-व्हील ड्राइव के ऑप्शन में भी मिलती थी। ये कार फेल इस वजह से हुई थी क्योंकि ये गाड़ी बड़ी थी और कहीं गाड़ी में फिनिशिंग कम थी, जिसकी वजह से लोगों ने इसको खरीदा नहीं था। यूगो को लॉन्च किया गया था 1985 सन में और इसको बंद कर दिया गया 1992 में। ये कार एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई पूरी दुनिया में। ये कार एक छोटी गाड़ी थी यूगोस्लाविया देश में। इस गाड़ी में सिर्फ एक कमी नहीं थी बल्कि काफ़ी सारी कमियां थी, जैसे कि इसकी लुकिंग एकदम घटिया थी, इंजन बेकार था, गाड़ी के पार्ट्स भी बेकार थे, जिसकी वजह से ये गाड़ी अपनी जगह कहीं पर भी नहीं बना पाई। रोल्स रॉयस कंपनी की कैमैक को लॉन्च करा गया था 1975 सन में और इसको बंद कर दिया गया 1986 में ही। रोल्स रॉयस ने इस गाड़ी को बनाने में पिनिनफरिना के साथ पार्टनरशिप की थी। इस गाड़ी का मिशन था कि ये यंग लोगों को अट्रैक्ट करे। ये एक लग्जरी ग्रैंड टूरर कार थी। ग्रैंड टूरर वो गाड़ियाँ होती हैं जो कि हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस वाली गाड़ी होती हैं। इस गाड़ी को उस वक्त मोस्ट एक्सपेंसिव कार का टाइटल मिला था। 11 साल के प्रोडक्शन के बाद भी इस गाड़ी की सिर्फ 531 यूनिट ही बिकी थी, जिसकी वजह से रोल्स रॉयस ने इसको बनाना बंद कर दिया। और इसका ना बिकने का कारण था इसकी कीमत, क्योंकि वो बहुत महंगी थी। तो ये 5 गाड़ियां बुरी तरह दुनिया में फ्लॉप हुई। आपको इन कारों में कौन सी कार अच्छी लगी या नहीं लगी, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।